यस हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज के समय आपको आपको सभी लोगों को स्वागत करता हूं मैं YouTube चैनल जेटर्स इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पहले से आपको सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूं, उसमें से कुछ ऐसे रूल्स जो मैं आज भी चर्चा करने वाला हूं जो आप देखेंगे, ठीक है ना। और अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बच्चे अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको देख लें ताकि वो क्लियर हो जाए पहले, ठीक है। तो फिर से मैं आपको ले चलता हूं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ। आइए, कुछ रूल्स हैं जिसको मैं समझाऊंगा आपको जो काफी इंपॉर्टेंट सबके लिए है। तो एक बार आइए देखते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। लिखा है इधर और डॉटेड है बीच में नीदर और डॉटेड नॉट, नॉट ओनली डॉटेड है उसके बाद से बट आल्सो के बाद सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब दोनों आ सकते हैं। अब थोड़ा मैं क्या बता रहा हूं समझें, कांसेप्ट क्लियर करने का बिल्कुल उसके लिए हो जाएगा आपको। नियर सब्जेक्ट यानी नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होगा ना, हम उसी के अनुसार वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे या प्लुरल यूज करेंगे। क्लियर है ना आपको? जो सब्जेक्ट नजदीक होगा उसी के अनुसार हम वर्ब का चयन सिंगुलर या प्लुरल करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल आएगा। स्पष्ट हो गया? चलिए एग्जांपल देखते हैं। इधर राहुल और हिज पेरेंट्स, देख सकते हैं इधर राहुल हिज पेरेंट्स में हिज पेरेंट्स जो क्या है यहाँ पे नियर सब्जेक्ट है ये, और ये नियर सब्जेक्ट तो आया है लेकिन ये प्लुरल सब्जेक्ट आया हुआ है, इसीलिए वर्ब क्या आना चाहिए यहाँ पे प्लुरल वर्ब का मैंने यूज किया है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट देखते हैं, नीदर यू नॉर सी, दो सब्जेक्ट आया हुआ है यहाँ पे, दोनों सब्जेक्ट में देख सकते हैं नजदीक वाला सब्जेक्ट यही है और ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या आएगा बाबू? सिंगुलर आएगा, इसीलिए वर्ब्स मैंने एस लगाया पे, ये सिंगुलर वर्ब बन गया। वर्ब में एस एस लगने से क्या बन जाते हैं? सिंगुलर बनते हैं। तो यहाँ पर क्या मैंने यूज किया? सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, इफ टू नाउंस प्लस एंड, मतलब दो नाउन अगर एंड से ऐड किए गए हो जुड़े हो वो वर्ब जो लेके आते हैं सिंगुलर लेके आते हैं। कब प्रोसेस यहां पर लॉजिकली लेंगे? सेम थिंग पर्सन होगा तो, मतलब एक ही चीज की यहां पे इंडिकेशन कर रहा होगा या सेम पर्सन एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तब। जैसे एग्जांपल समझते हैं, बीट एंड बटर इज हेल्दी फूड, देख सकते हैं ब्रीड एंड बटर इज हेल्दी फूड। ब्रीड और बटर को दो चीजों में ऐड से कनेक्ट तो किया है बट दोनों चीज सेम थिंग्स हैं जिसकी वजह से हम नया वर्ब का जो चयन करेंगे वो क्या करेंगे? सिंगुलर करेंगे, बिल्कुल सिंगुलर वर्ब आने वाला है यहां पे, सिंगुलर वर्ब आने लगेगा, ठीक है। सेकंड द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैज कम, देखो यहाँ पे दो लोगों की चर्चा मैंने करने वाला कर रहा हूँ, सेम पर्सन है, उनके अंदर दो क्वालिटी है, दो मतलब पद पे है, एक डायरेक्टर और प्रिंसिपल, वो एक ही इंसान है, तो वर्ब क्या आना चाहिए? प्लुरल थोड़ी ना आएगा, सिंगुलर आने वाला, किसी एक ही व्यक्ति बारे में बात चल कर रहे हैं हम, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, इसीलिए क्या आ गया? हैज कम, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सिंगुलर यूज किया, क्लियर हो गया आपको। रूल नंबर 12 देखते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स द ईस्ट इंडीज एंड यहाँ पे द नीदरलैंड्स द फिलीपींस, ये कुछ ऐसे कंट्रीज नेम हैं जिनके नाम के साथ एस तो लगा है लेकिन वर्ब जो चयन करेंगे हम वो सिंगुलर करेंगे। एग्जांपल समझते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स इज आल्सो अ कंट्री, तो यूनाइटेड स्टेट के साथ हम यूज करेंगे क्या? सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। यहाँ पे द फिलीपींस इज अ गुड कंट्री, तो फिलीपींस के साथ में हमने यूज किया यहाँ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये देश के साथ भले एस लगा हो लेकिन वर्ब का चयन हम बाबू सिंगुलर ही करते हैं, प्लुरल नहीं करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? ओके, आई थिंक सब लोगों को ठीक होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखा है 30 रूल्स नंबर, ए टीम ऑफ, ए चैन ऑफ, अ बंच ऑफ, अ सेट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ प्लस, यहाँ पर ऐड हुआ है, आप यहाँ ध्यान देंगे इन सभी के बाद नाउन जो होता है ना प्लुरल आता है, उसके बाद नाउन आएगा जो क्या होगा? प्लुरल आएगा, लेकिन वर्ब जो आने वाला है वो हमेशा सिंगुलर आएगा, ये हमेशा याद रहेगा, कंपटीशन में आप पूछ रहेंगे इसलिए क्या करेंगे, इन सभी वर्डों के बाद आपका जो नाउन आने वाला है प्लुरल आने वाला है, वर्ब जो आने वाला है वो हमेशा सिंगुलर आने वाला है। एग्जांपल समझते हैं, लिखा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज अराइव्ड, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, देख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद आने वाला जो नाउन है प्लुरल है, आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं ये नाउन जो आया है क्या है बाबू? प्लुरल आया हुआ, लेकिन वर्ब जो आने वाला है वो क्या है? सिंगुलर आया हुआ है ना, टीम ऑफ प्लेयर्स हैज अराइव्ड।
और बंच ऑफ का मतलब समझ में ना, बंच ऑफ गुच्छा होता है ना, और टीम का मतलब समझ रहे हैं, एक संग्रह हो गया आपको टीम प्लेयर्स का। और बंच ऑफ कीज यहां पे चाबी की तरह से जो यूज करते हैं हम लोग। और बंच ऑफ कीज यहां पे जो नाउन क्या है ना, पुल्ल लगाया है, और वर्ब क्या है बाबू, सिंगुलर आया हुआ है। इसका मतलब समझ सकते हैं, तभी तो एग्रीमेंट होगा, नहीं तो समझौता किस बात की। तो यानी कि रूस का रहा है, इन सबके साथ आएगा नाउन पुल्लल, लेकिन वर्ब आने वाला है वो होगा हमेशा सिंगुलर। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 देखते हैं, पोएट्री, सीनरी, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, जॉय, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, म्यूजिक, परसेंटेज, कितने वर्ड्स आपको मैंने यहाँ लिखा है। इन सबके साथ जो आने वाला वर्ब है वो सिंगुलर है, इसमें वर्ब जो आएगा ना सिंगुलर यूज करेंगे हम। इन सबके साथ इसमें ए सी एस लगा कर कुछ नहीं बनाया गया है, लेकिन जब भी आते हैं और खास करके इस वर्ब है सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट के रूप में वर्ब करते हैं तो इनके साथ हम वर्ब का जो चयन करते हैं वो हमेशा सिंगुलर करते हैं। जैसे किड्स पोएट्री, जॉन किड्स का नाम सुना होगा, जॉन किड्स यहाँ किड्स पोएट्री लिखा हुआ, किड्स पोएट्री इज यहाँ पे इनके साथ पोएट्री के साथ कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। यहाँ देख सकते ऑल इज लॉगेज, जो समाज यूज करते हैं लॉगेज, इसके साथ भी कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। ये याद रखना होगा आप सबको, इन इन जितने लोग मैंने लिखा है वर्डों को, इन वर्डों को आप एक बार लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, और याद रखें जब भी आएंगे अपने साथ वर्ब लेके आएंगे कौन सा, सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे, इनके साथ मतलब पुरल वर्ब नहीं यूज करेंगे, गलत नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूल ऑफ 15 देखते हैं। जीरंड या इन्फिनिटिव वर्क्स एज सब्जेक्ट, जब कोई जीरंड या जीरंड मीन्स समझ रहे आई एन जी जो हम सब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का मतलब टू जिसको हम सब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं, वर्ब से ठीक पहले इसमें एग्जांपल अभी समझाने वाला हूं। अगर ये काम सब्जेक्ट रूप में करते हैं तो वो अपने साथ वर्ब जो लेके आते हैं ना वो सिंगुलर लेके आते हैं। कैसे यहाँ लेते हैं, मैं लिखा प्लेइंग इज, देख सकते हैं प्ले एक वर्ब है और जो इसमें आई जी लगा है तो वर्क कर रहा है, किससे कर रहा है, ये जीरंड का वर्क कर रहा है ना। तो प्लेइंग इज, प्लेइंग के साथ मैंने क्या यूज किया, वर्ब क्या यूज किया मैंने, सिंगुलर रूल ये करना, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो जीरन के साथ अगर सब्जेक्ट रूप में काम करेगा तो वर्ब जो आने वाला है वो सिंगुलर आने वाला है। प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, नीचे में देखिए प्ले के पहले मैंने यूज किया टू और ये इन्फिनिटिव है, इस टू को ही हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और जब किसी वर्ब के पहले टू लगा ये जो टू प्ले हो गया एक सब्जेक्ट रूप में काम करने लगा, इन्फिनिटिव के वर्क करने लगा, तो टू इन्फिनिटिव जब आ गए यहाँ पर टू के बाद वर्ब, तो इसके साथ भी हम जो वर्ब यूज करेंगे बाबू वो आएगा वर्ब सिंगुलर आएगा। चलिए यहाँ पर हो गया टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ है ना। तो अब इसमें कोई दिक्कत है किसी समझने को तो बताएंगे आप सबको, क्लियर हो गया कहीं कंसेप्ट में, अगर दिक्कत हो गई बिल्कुल आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि आप मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, तो ताकि मुझे एनर्जी मिलेगी और फिर से मैं और बहुत सारे वीडियो बनाता रहूँगा। और आप अगर कोई नया चैप्टर अगर चाहिए आप लोगों को तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएं, उस चैप्टर में बिल्कुल आपको विस्तार तरीके से मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से वीडियो बना करके आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप घर बैठे सारी चीज़ों को इंग्लिश में अपना इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहें। ठीक है, थैंक यू सब लोग, धन्यवाद।